नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो MDU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, या फिर वो आपकी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, या फिर बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, बच्चा अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर कोई और अन्य कोर्स भी अगर करता है, तो 3 घंटे के टाइम में जो 80 नंबर का मार्क्स का जो आपका पेपर आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, 90% जो बच्चे हैं, मान के चलिए नियर अबाउट 70% मान लीजिए, वो बच्चे अपने पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत अच्छा टाइम यानी कि 3 घंटे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई बच्चा ऐसी कौन सी गलती करता है कि जिसके कारण उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और 180 मिनट के टाइम में, जिसको हम लोग 3 घंटे बोलते हैं, बच्चा अपना एग्जाम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो पहले हम लोग थोड़ा हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका सिनेरियो हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए गाइस क्या होता है कि अमूमन यहां पर जो पहला क्वेश्चन होता है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर या कोई और भी कोर्स है, वो आप लोगों का कंपलसरी होता है, जो सभी बच्चों को करना होता है। उसके बाद बाकी जितने भी आपकी 4 यूनिट होती हैं, उन सब से आपको एक एक कोई भी क्वेश्चन करना होता है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है। तो गाइस ये पैटर्न चलता है। अब यहां पर जो बच्चे आते हैं उनको ये चीजें नहीं सिखाई जाती, ना उनका कोई कंसल्टेंट उनको बताता, ना उनका कॉलेज वाला कोई इनको चीज बताता कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का कंपलसरी है, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती बच्चों की बनती है। वो क्यों बनती है, देखिए मान के चलिए हम लोग एक टेस्ट केस लेते हैं कि 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। उसमें से मान के चलिए 40-50 बच्चों को वो पहला क्वेश्चन आता है, पर 40-50 बच्चे ऐसे भी तो है ना कि जिनको वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट वो कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आपको करना होता है। तो बच्चा सोचता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे करना ही है, मैं पहले इसी में लग जाता हूं। उसको आधा अधूरा वो क्वेश्चन आता है और वहां पर सोचता है, किसी से पूछता है, कुछ अपना माइंड लगाता है, तो उसमें मान के चलिए काफी टाइम उन बच्चे का लग जाता है। और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन अमूमन 36 मिनट के अंदर क्लियर होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप मान के चलिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मिनट को अगर 5 से आप डिवाइड करते हो, तो पर क्वेश्चन के हिसाब से 36 मिनट का टाइम आता है। तो अमूमन 36 मिनट जो होते हैं वो बहुत सफिशिएंट होते हैं किसी भी बच्चों को अपना 16 नंबर का पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए। बट पहले में ही क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट इतना बिगड़ जाता है कि पहले क्वेश्चन बच्चा 40-45 इवन 50 मिनट तक खींच जाता है और एक क्वेश्चन मुश्किल से कर पाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज ये है कि जरूर पहला क्वेश्चन आप लोगों का करना कंपलसरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 10-11 क्वेश्चन, उसमें से वो क्वेश्चन आप पिक करो जिसमें 101% आप कॉन्फिडेंस हो और जिसको बहुत तरीके से, बहुत स्पीड से आप लिख सकते हो, वो वाला क्वेश्चन आप करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको और थोड़ा सा मतलब आपको कॉन्फिडेंस है पहले क्वेश्चन की अपेक्षा सेकंड में, उस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करो। तो ऐसे ऐसे उन 10-11 क्वेश्चन में से आप अटेम्प्ट करने की वो क्वेश्चन करो जो आपको अपने माइंड से मैक्सिमम इलैबोरेट कर सकते हो और अच्छी तरह से आप उसको लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो गाइस ये है कि 180 मिनट को आपको 5 से डिवाइड करके 36 मिनट का जो टाइम मिलता है वो मोर देन इनफ होता है। अगर कोई बच्चा सोचे नहीं सर 16 नंबर में तो हमें 1 घंटा चाहिए, यार बिल्कुल बकवास बात है। 16 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको 36 मिनट सफिशिएंट है, उसमें आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, चलो ठीक है क्वेश्चन तो उनको सारे आते हैं बट फिर भी उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि 180 मिनट को आप 16 से आप मान के चलिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिनट का टाइम निकल के आता है, पर वहां बच्चा क्या है अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। यार आप एक बात देखें कि बहुत सारे टीचर जो है ना बीएड करते हैं या कोई भी टीचर है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता है, ना ही उनकी नीयत होती है कि एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी एग्जामिनर जो आपका पेपर को चेक करता है वो ये देखता है कि बच्चे की हैंडराइटिंग कैसी है और दूसरा बच्चे ने उस क्वेश्चन को इलैबोरेट कैसे किया है। यार आप एक बात बताइए,
आप किसी जगह किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और वहां पर अलग अलग मेन्यू अलग अलग पिक्चर्स उसमें लगाई जाती हैं और वो पिक्चर्स देख के आपको बहुत अच्छा लगता है यार ये खाना बहुत लजीला होगा, तो डेफिनेटली आप उसको खाते हैं। अगर सब कुछ मिक्सअप करके खिचड़ी बना दी जाए तो आपका कोई भी चीज खाने का मन नहीं करेगा। यही चीज आपका जो एग्जामिनर चेकर होता है उसके माइंड में भी आती है, बच्चे ने बहुत खूबसूरत लिखा है और उस अच्छा खूबसूरत लिखने के लिए जो पॉइंट्स बनाए गए हैं एग्जामिनर सिर्फ उनको पढ़ता है। उनके हिसाब से 80 में से बच्चों के 80 नंबर भी एमडीयू सीआरएसयू या चौधरी रणवीर या कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं। बट आप लोग अपनी स्टोरी बना देते हो यार, उसने पूछा कुछ है आप बताना कुछ और जा रहे हो, तो मजबूरन 16 नंबर में से एग्जामिनर को आपको 7 या 8 नंबर ही देने पड़ते हैं। जहां पर सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, पहले तो टाइम मैनेजमेंट आपने गलत किया भाई, आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, दूसरा आप खिचड़ी बना देते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बच्चे अपने एग्जाम में पढ़कर नहीं जाते, जो नकल और चीटिंग के भरोसे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं, वो पहले ही मिनट से अपनी पर्ची निकाल के जो है अपने एग्जाम को स्टार्ट कर देते हैं। इतने टाइम में सुपरविजन होती है, सुपरवाइजर आता है या आपकी फ्लाइंग आती है, वो आपको कर लेती है और आपका वो वाला एग्जाम कैंसिल हो जाता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उस क्वेश्चन को आप छोड़िए, देखिए हल्की फुल्की हेल्प ली जा सकती है क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं हो पाता। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो टीचिंग पढ़ाने का काम करते हैं, किसी स्कूल में काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। तो गाइज आप मान के चलिए 11 क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को अच्छी तरह से 3-4 भी आते हैं तो 1-2 जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में छोड़िए जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको यह पता है कि अगर आप आगे पीछे से किसी से पूछेंगे भी और जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो अगर आपको डांटता भी तो आपने इतना जुगाड़ तो कर ही लिया ना कि आप उस एग्जाम के अंदर पास हो जाएं। पहले ही आप पूछ के अपना सत्यानाश बिल्कुल करेंगे और एग्जामिनर आपका पेपर छीन लेगा, जो टाइम आपका आधा घंटा लगना चाहिए वो 1.5 घंटे में आपका एग्जाम दोबारा से दिया जाएगा। तो उस एग्जाम के अंदर 90% जो बच्चे वो फेल हो जाते हैं। तो गाइज ये 2-3 स्ट्रेटेजी मैंने आपको जो बताई है कि अमूमन 3 घंटे के अंदर बच्चे अपना एग्जाम क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते, उनमें से ये जो 3 जो पॉइंट जिस पर मैंने आपको बिंदु से प्रकाश डाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर सेट करना 2022 के अंदर। मेरे पास काफी बच्चों के मार्कशीट मार्कआउट आते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, इवन 80 में से 75-76 और काफी बच्चों के तो 80 में से 80 नंबर भी हम लोगों ने दिलाए हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी गाइस बनानी पड़ती है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, आपको नहीं पता कि हम लोग कैसे अपने एग्जाम को करें या कुछ ना करें, आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको बने रहना है। जो वीडियोस हम लोग बच्चों को देते हैं वो वीडियोस आपको देखनी है और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी टीम अब स्टार्ट करने वाली है बहुत जल्द, सिर्फ आपको वही फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम जो नंबर है आपके बीएड के अंदर हरियाणा में या एमडीयू में सीआरएसयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सके, आपको लिए मेहनत करनी है। तो गाइस अगर ये मेहनत करने के लिए तैयार है तो हम लोग भी आप लोगों के लिए तैयार हैं और अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। तो 3 घंटे में आप जो है मान के चलिए 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, हम लोग आपको जो टाइम मैनेजमेंट बताएंगे आने वाली वीडियो के अंदर वहां पर कम से कम 7-8-9-10 क्वेश्चन भी आप 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हो, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। आपको पता है कि दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से बैंगलोर कहीं भी आपको जाना है, आजकल गूगल वगैरह सब कुछ है, बट बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो लंबे रूट से होकर बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो ऑब्वियसली बात उसमें फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, उसमें आपका टाइम जो है कंज्यूम वो भी ज्यादा होगा। स्मार्ट लोग क्या होते हैं, टेक्निकल तरीके से चलते हैं और टाइम से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए बोला गया है गाइस कि अगर आप अपने हर काम की चाहे वो टीचिंग है आपकी चाहे वो आपकी स्टडी है उसका टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी इंसान कामयाब नहीं कर सकता, आपका बीएड करने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, मुस्कुराते रहना, थैंक यू सो मच।